इधर से मुझे नौकरी पर रखा है उन्होंने, लेकिन वो नौकरी नहीं है, मेरी आजमाइश है। और इस आजमाइश पे पूरा उतरने के लिए मैं उनके साथ मिलकर एक पुतली तमाशा कर रहा हूँ। जब फिल्म ही मेरी मर्जी से चल रही है तो आगे भी सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो। तुम बस देखती रहना, ऐसा थ्रिलिंग किस्म का वाइंड अप करूंगी कि चक्कर आ जाएगा तुम्हें। और तुम महीनों मुझसे पूछा करोगी, बताओ तो फरा, इस तरह की बातें तुम कैसे सोच लेती हो? लगाओ फोन। अरे तुम बैठो, नाश्ता करो, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले आता हूँ। अरे मियाँ, बैठो, नाश्ता करते रहो। वो ले आती है फोन, फोन के साथ तुम क्यों बज रहे हो? ले आओ। मैं फरा बोल रही हूँ। जवाब तो तुम दोगे नहीं, तो ठीक है, बस गौर से सुनते रहो। रात को तुम्हें डिनर पे बुलाया जाएगा, ये सुनकर तुम खुश हो जाओगे। लेकिन खुशी की परफॉर्मेंस में डोंट वरी का इस्तेमाल मत करना। इनविटेशन मिलते ही कहना थैंक यू सर, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। सुन रहे हो ना? खैर, सुन तो रहे होगे, आगे सुनो। रात को डिनर पर तुम नहीं आओगे। 9:15 बजे मैं तुम्हें परेशानी में ये पूछने के लिए फोन करूंगी कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो। तुम मेरा फोन देखते ही काट देना, मतलब नो रिस्पॉन्स। उसके बाद कल 9:00 बजे तक तुम अपना सेलफोन बंद रखोगे। कल 9:01 पर तुमसे दोबारा बात होगी, फिर बताऊंगी तुम्हें आगे क्या करना है। अच्छा, देख तो लो किसका है। होगा किसी दोस्त का, आज संडे है ना अब्बा, बुला रहे होंगे क्रिकेट के लिए। ये अच्छी वाली क्रिकेट है ना? जी। नाश्ता कब करेंगी? कर लेंगे नाश्ता। साहब पूछ रहे हैं। कोई 15 मिनट बाद? बोलती बंद, इसे कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। कल रात मैंने सोचा आज अगर वो आएगा बकौल तुम्हारे, परसों तरसों उसके अम्मा अब्बा को बुला लिया जाएगा। ये तो एक सीक्वेंस चल पड़ा ना, ऊपर से अब्बा हमारे क्विक डिसीजन मेकर, किसी मुलाकात में आवाज देकर मुझे भी बुलाएंगे, मौलवी साहब के सामने बिठाएंगे और कहेंगे लीजिए मौलवी साहब बिस्मिल्ला पढ़ के अंगूठी पहनाइए। वो बिस्मिल्ला पढ़ेंगे और मैं इन्न लिल्ला। ए लो, मैं तो गई लुबना, मेहताब से निकली अफजल में अटकी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे अप्रिशिएट तो करो ना। अप्रिशिएट कर तो रही हूँ, अभी तक तुमने जो सोचा वही तो हुआ। सो तो हुआ, इसलिए खुदा से डरो पर इब्राहिम। सिर्फ खुदा के पास होती है ये ताकत, वो जैसे सोचता है वैसे हो जाता है। तुम तो डराने पे उतर आई हो। तुम्हारी क्राइसिस मैनेजमेंट का उस वक्त पता चलेगा जब कुछ ऐसा होगा जो तुमने नहीं सोचा। क्या होगा? यही तो पता नहीं है, लेकिन गट फीलिंग कहती है कि खुदा अचानक बंदे को खुदा बनने से रोक दे। अफजल बोल रहा हूँ ना? जी बोल रहा हूँ।
आप? मैं शेख इब्राहिम बोल रहा हूँ। जी सर, मैंने पहचान लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो मियाँ? जी अच्छा हूँ, फाइन। तुम जब फाइन कहते हो तो लगता है झूठ बोल रहे हो। जी नहीं सर, झूठ बहुत कम बोलता हूँ, बल्कि पहले बोलता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताओ, शाम के बाद मसरूफ तो नहीं हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 9 बजे मिल सकते हो? ऑफ कोर्स मिल सकता हूँ सर। तो फिर 9 बजे मेरे घर पे मिलते हैं डिनर पर, शार्प एट 9 o'clock। राइट सर। 9:45 बजे गाड़ी भिजवा दूँ तुम्हें? नहीं सर, ये 2 फरलांग का तो फासला है, ऐसे ही टहलते ही आ जाऊंगा। बारिश हो जाए, भीग जाओ, तब भी आ जाना। आ जाऊंगा सर, यू डोंट वरी। ओके बाय। हेलो। इनविटेशन मिल गया? मिल गया। तो फिर जैसे कहा है वैसे ही करना। यू डोंट वरी, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। सारी बातें याद है ना? ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ, जब फरा तुम्हें फोन करती है तो आगे से बोलते क्यों नहीं हो? उनके आगे बोला ही नहीं जाता। बात बहुत आगे बढ़ गई है। हम आज इनके यहाँ डिनर पे जा रहा है। किन के यहाँ? अरे उसी लड़की के यहाँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, छोटी बहन इनवाइट कर रही है और बड़ी बहन फोन करके मना कर रही है। क्या मतलब? मतलब बड़ी बहन जरा अकड़ वाली है ना, इसलिए रोड़े अटका रही है। खुदा मालूम क्या बोल रही हो और क्या बता रही है। आप बस देखती जाइए, एक से एक नई खबर आने वाली है। एक दो नए जोड़े बनवा लीजिए और जो जेवर संदूकची में रखा है ना उसको निकलवा के पॉलिश के लिए भेज लीजिए। आजकल मैं कहीं जाने की पेशगोई कर रही हूँ। अरे चलो चलो, अब ऐसा भी नहीं है कि वो किसी भी ऐरी गैरी से टांका फिट करके आ जाएगा और मौलवी साहब कहेंगे सुभान अल्लाह, तैयार होकर निकलो रुकैया, बहू मिलने की बिशारत मिली है। ऐरी गैरी नहीं है वो, नाम पता और मर्तबा सुनेंगी तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे आपके। मुड़ मुड़ के अपने अफजल को देखेंगी, बार बार कहेंगी क्या लॉटरी निकल आई है कमीने की। खुदा से डरो आरफा, तुम बड़े भाई को कमीना कह रही हो। नहीं वो आपकी तरफ से कह रही थी, आप तो बर्मिला कह देती है ना। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, बदतमीजी है ये, धुलने में डालो ये। पकड़ इसको। अबे रुक रुक, अबे छोड़ इसको। राजेश मार क्यों रहे हो उसे? 1 दिन के वादे पे 1 लाख रुपए उधार लिए साले ने, अब कहता है अगले महीने दूंगा मैं। अबे तू तो हट दे सामने से। अबे हट, रुक, जब ना लड़ाई हो जाएगी। लाख लिया तूने? लिया। क्या किया? मैच में हार दिया। डंडा मारने से 1 लाख रुपए मिल जाएगा क्या? पैसे पैसे तो उसका बाप भी देगा। बाप की बात नहीं कर, बाप इसके फूटी कौड़ी नहीं देगा। तो भाई तू इसका बाप नहीं बनना, हट जा सामने से। अबे मैं लूंगा पैसे, अगर मुझे पैसे देने आते ना तो लेने भी आते। अरे भाई पैसे लेना, उसकी जान तो ना ले। तू देगा पैसे? मैं दूंगा। अच्छा तो तू देगा पैसे? हाँ, रात को 8 बजे आकर साजिद के घर से ले जाना। 8 का मतलब 8? अबे 8 बजे बोल दिया ना तो पक्का ले जाना आकर। अब चल जा यहाँ से, फूट ले। 8 बजे से पहले नजर आया ना तो 2000 रुपए काट लूंगा मैं। चल चल साले। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू के बच्चे। चल 2000 निकाल। 2000? 98,000 है मेरे पास। तो मतलब तू सच में उनको 1 लाख रुपए देगा? जबान दी है तो
पैसे भी देने पड़ेंगे। निकाल 2000। तू ये सारे रख ले। ये सारे नहीं चाहिए यार, सिर्फ 2000 चाहिए। ये ले और फूट ले यहाँ से। अब्बा ने देख लिया ना तो बाजीगर कत्ल हो जाएगा। चल जा। तो ठीक है, अब बस तो कहते कि आज के बाद बबलू जुआ कभी नहीं खेलेगा, तेरी कसम। कभी सोचा है जिससे मोहब्बत करते हो उसका स्टेटस क्या है, कैसे जिंदगी गुजारती है वो? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि फरा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती तो कैसे रिएक्ट करोगे तुम? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये क्या हो रहा है? देख रही हो कि आज के डिनर के वह क्या पहनेंगे? वाह वाह, तुम तो इतनी सीरियस हो जैसे सच में वो आ ही रहा है। तो ये बात अम्मी को भी तो जाकर बताओ, सचमुच की डिशें पका रही हैं वो। पागल लड़की, परफॉर्मेंस देने के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। और तुम्हें तो सबसे अलग लगना चाहिए, फुल ऑफ कलर्स, किसी के ख्वाबों में खोए खोए, एकदम बनी सवरी तैयार। क्या तो अब्बा को पता कैसे चलेगा कि तुम उसके आने पे बहुत खुश हो? अब ये बात भूल जाओ कि तुमने उसको आने से मना कर दिया। समझ लो कि वो आ रहा है, वो आएगा, और तुम उसके आने की खुशी में पागल हो ही जाती हो। बार बार घड़ी की तरफ देखती हो, आईने में अपना मेकअप चेक करती हो, बल्कि अगर जरूरत ना भी पड़े ना तो अम्मी के सामने अपने मेकअप को जरा रिटच दे देना। अब्बा पर नजर पड़े तो नजर चुराना, शर्मा के इधर उधर खिसक जाना, ये सब करोगी तो बात बनेगी। क्या बात बनेगी? अजीब बात है, प्लान तुमने बनाया और डिटेल्स मैं तुम्हें बता रही हूँ। बताओ ना। देखो लड़की, 9 बजे जब वो नहीं आएगा और 9:15 बजे अपना फोन बंद कर देगा तो अब्बा गुस्से से लाल पीले नहीं हो जाएंगे? और तुम्हारी तैयारी देखे तो उन्हें और गुस्सा आएगा। वो तो आएगा, फिर अब्बा उसको हाँ कहने की बजाय तुमसे कहेंगे कि बैठकर सोच लो लड़की, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। फिर तो बैठकर सोचती रहना, 4, 6, 8, 10 महीने, चाहे तो 1.5 साल। फिर बाद में उनको कह देना कि अब्बा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अफजल ठीक लड़का नहीं है। फिर क्या, मेहताब से जान छूट गई और अफजल तो एक झटकी की मारे। तुम तो लंदन जाने की तैयारी करो। कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी तो जाकर देखूं मैं क्या पहनूंगी। ये लो, आ गया सूट। थैंक यू। शुक्र करो मैं बख्तर वहां पहुंच गया, वरना वो धोबी का बच्चा तुम्हारे अब्बा के कपड़ों के साथ मिलाकर तुम्हारा सूट तुम्हारे घर भेज रहा था। और अपने अब्बा को भी थैंक यू बोलना, क्योंकि उन्होंने तो देख के कह दिया कि ये सूट अफजल का नहीं है। अब्बा भी थे वहां पर? बस वो अभी पहुंचे ही थे, मैं तो सलाम करके निकल लिया। अच्छा किया। आज भी वहीं जा रहे हो ना? हाँ। तो आज भी यही सूट पहन के जाओगे? ये सूट है या यूनिफॉर्म? उस दिन बारिश में गीला हो गया था, उस वक्त ढंग से दिखा नहीं पाया, आज दिखाऊंगा। जब खरीदा था ना तो अच्छा लगा था उससे।
खुश हो ना, तो फिर मैं तुम्हें पेशगी बता दूं कि तुम्हारे अब्बा उसे हाँ कहने वाले। अरे तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? अरे नहीं नहीं, रंग नहीं उड़ गया, शर्मा रही है। खैर ये कोई शर्माने का तरीका नहीं, चल आ जाओ। आओ देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? हो सकता है वो 10-15 मिनट लेट हो जाए। कैसे हो सकता है, मैंने कहा था शार्प एट 9 o'clock। मैं फोन करूं अब्बा? नहीं मैं कर रहा हूं। हाँ कहाँ हो मियाँ? ओके नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जाओ लेके आओ सर, दरवाजे पे खड़ा। अभी 9:10 बाकी थे, मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा था, बेल बजाने लगा तो आपके अब्बा ने फोन कर दिया। अच्छा लग रहा हो ना? आपके अब्बा बहुत गरज कर बोलते हैं, फोन करते ही पूछा कहाँ हो मियाँ? मैंने भी फट से अस्सलाम वालेकुम किया तो चुप हो गए। तुमसे फोन करके पूछा था कि सब बातें याद है ना तुम्हें, और तुमने जवाब में कहा था ही डोंट वरी। जी तो ये कहा था तुमसे? चलो अब आ जाओ। सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। लुकिंग हैंडसम। थैंक यू सर। सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? जी ठीक हूँ। बैठो। नहीं पहले आप बैठिए। नहीं मुझे तो कुछ दूसरे काम देखने, तुम तब तक बैठकर अंकल के साथ बातें करो। बैठो प्लीज। जी थैंक यू। और तुम क्यों बैठ गई हो यहाँ? चलो आओ मेरे साथ फरा के पास बैठो। रिलैक्स हो जाओ। मैं तुमसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का गैर जरूरी इस्तेमाल करना पड़े। क्यों आया है वो? ये तो उसे भी मालूम नहीं। कमीना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी उसे। पैसों की तो उसे जरूरत ही नहीं रही, तुम तो बैंक अकाउंट समेत उसके हिस्से में आने वाली हो। अरे चलो चलो, ये मुंह और मसूर की दाल। मुंह वाली बात ना करो, बड़ा ही डैशिंग लग रहा है कम्बक। फिर वही काला सूट पहन कर आया है। एम्बिशंस क्या हैं तुम्हारी? कभी सोचा है क्या करोगे, क्या बनोगे? नहीं तो, लेकिन मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं सर। अब्बा को नहीं बताया कि पहली नौकरी से छुट्टी हो गई है। पता नहीं चला उन्हें? उनको बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा सर? सुबह दफ्तर के वक्त तैयार होकर निकल जाता हूं और शाम को वापस आ जाता हूं। अब्बा समय से दफ्तर से आए हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं सर। शुक्र करो मैंने नहीं बता दिया। थैंक यू वेरी मच सर।
कभी सोचा है जिससे मोहब्बत करते हो उसका स्टेटस क्या है? कैसे जिंदगी गुजारती है वो? क्यों? कभी यकीन नहीं आया सर कि उससे मेरी शादी भी हो सकती है। उसने भी कभी नहीं पूछा? मैचों पे जुआ खेलने से मना तो करती होगी? नहीं। तो कहती है खेलो? ये भी नहीं कहती थी। तुम नर्वस तो नहीं हो रहे? बिल्कुल भी नहीं। फर्ज करो मैं तुम्हारी शादी के लिए हाँ कह देता हूं और 4 महीने में तुम्हारी शादी हो भी जाती है तो फिर क्या करोगे? क्या करियर है तुम्हारे पास? क्या एम्बिशंस हैं जिसके भरोसे पर मैं एतबार कर लूंगा तुम उसे हमेशा खुश रखोगे? करियर का एतबार नहीं होता सर, आदमी का एतबार होता है। और मुझे अपने आप पर एतबार है, कमा कर खिलाऊंगा उसे और उसको खुश रखने का हर जतन करूंगा। तो मुझे यकीन ही नहीं आया फरा, दिल मान ही नहीं रहा था कि वो आया होगा। जब दरवाजा खोला तो सामने खड़ा बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। कैसे रटाने की तरह समझाया था तुमने कि इनविटेशन मिले तो कहना जरूर आऊंगा, लेकिन तुमने आना नहीं। अरे हाँ, तुमने तो उसे ये भी कहा था कि 9:15 अपना फोन बंद कर लेना। इन बातों का क्या फायदा? तो फायदे का कौन सोच रहा है? मैं तो अंदाजा लगा रही हूं नुकसान कितना होगा। चुप रहो। अरे वाह, तुम्हारे लिए सोच सोच कर मैं मरी जा रही हूं और तुम कहती हो चुप रहो। ठीक है मैं चुप रहती हूं, लेकिन एक आखिरी बात सुन लो, उस कमीने मेहताब की बदुआ लगने वाली है तुम्हें। कहां जा रही हो? बस हुई, जरा घर में फिर आकर आती हूँ। तुम्हारे पास चुप रहने से तो बेहतर है यही पूछ लो कि खाना कितने बजे मिलेगा। तुम्हें खाने की पड़ी है लुबना, तो क्या अब खाना पीना भी छोड़ दूं? बस इतनी सी बात पर क्यों मना करने के बावजूद आ गया? और फिर तुम क्यों डर रही हो? और कहाँ है वो तुम्हारी क्राइसिस मैनेजमेंट? अब आ गया है तो समझ लो, बल्कि फर्ज कर लो कि तुमने खुद उसे फोन करके बुलाया। इस तरह मिलो जैसे बिन बुलाए गम से मिलते हैं। पास बिठाया, दिल में रखा, फिर कहा तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अगर मैं तुमसे यह कहूं कि फरा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती तो कैसे रिएक्ट करोगे तुम? रिएक्ट नहीं करूंगा सर। क्यों? दुख नहीं होगा तुम्हें? आज की मुलाकात में लग नहीं रहा था कि मैं हां कहने वाला हूं। दुख तो होगा सर, लेकिन मैं घर से ये सोच कर आया हूं कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सर, बस ख्वाब है, लेकिन उनके पूरा होने की वजह नहीं है मेरे पास। कहता हूं कि उसको खुश रखने के सारे जतन करूंगा, लेकिन कब तक जतन करूंगा और वो कब तक खुश रहेगी? सच तो यह है सर कि मैं अपने अब्बा के मैयार पे भी पूरा नहीं उतरता। आप तो फिर उसके अब्बा हैं। नर्वस हो गए हो ना? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि इनकार सुन के रिएक्ट करूंगा, लड़ूंगा उसके लिए? ये कभी नहीं करूंगा सर, उसके लिए भी उसके अब्बा से नहीं लड़ूंगा, बाकी सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। इस तरह के कितने सूट हैं तुम्हारे पास? एक बस यही है सर। अच्छा है, अच्छा लगता तुम पे। थैंक यू सर।
कल सुबह यही पहन के आ जाओ। कहाँ आ जाऊं सर? ऑफिस, शार्प एट 9 o'clock। जैसे तुम रोजाना तैयार होके ऑफिस जाते हो। राइट सर, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा। वो सिर्फ ऐलान नहीं करेंगे बल्कि इसका मुंह माथा चुमके इसको दामाद के सिंहासन पे बिठाएंगे। फिर क्या करूंगी मैं? और फिर ये क्या करेगा? बेवफाई, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कुछ ना कहना, तुम्हारे आने से पहले पता चल गया था मुझे तुम कोई बुरी खबर लेकर आई हो। ओके, तो फिर इतना सुन लो कि मुलाकात खत्म हो चुकी है और खाना शुरू होने वाला है। अपना मेकअप रिटच करो और जल्दी से डाइनिंग रूम में पहुंचो। बहुत मुमकिन है कि अब्बा तुम्हारे पहुंचते ही तुम्हारी मोहब्बत के सामने हथियार डालने का ऐलान कर देंगे। तुम्हारे अब्बा कह रहे हैं आरफा को मालूम होगा वो कहाँ गया। सो तो अब्बा ठीक कह रहे हैं। कब तक आ जाएगा? अब तो आ ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में। अच्छा मुझसे कसम ले लो, तुम्हारे अब्बा से जिक्र भी नहीं करूंगी। मुझे तो बता दो ना, कहाँ गया है वो? कौन है वो लड़की? शकल सूरत हुलिया पूछ लीजिए, बता दूंगी, पर उसकी इजाजत के बगैर उसका नाम नहीं बताऊंगी। आप बस दुआ कीजिए ना कि आज वो कामयाब होकर आए। मैं तो लड़की का नाम सुने बगैर दुआ नहीं करूंगी। खैर, मोहब्बत को दुआओं की जरूरत भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अच्छा, मजनू की माँ ने उसके लिए दुआ नहीं की होगी, और रांझे की माँ तो सुना है उसके बचपन में ही मर गई थी, लेकिन पुन्नू और फरहाद की माँ सलामत थी तो लगी उनकी दुआ। नहीं ना, तो क्या मजनू हो गया है मेरा अफजल? कोई खैर का कलमा कहो लड़की, अच्छी बात मुझसे निकालो। आप उनकी मोहब्बतों का एंड ना देखिए अम्मी, उनका रुतबा देखिए। वो बेचारे तो मवासलाती निजाम ना होने की वजह से मारे गए, वरना आज दास्तानों में उनके बच्चों का जिक्र भी होगा। आप घबराइए मत अम्मी, आपका अफजल अब सबसे अफजल बनने वाला है। घर में कैसे खाते हो? अब्बा कहते हैं हाथ से खाया करो, तो मैं हाथ ही से खाता हूँ। तो हाथ से खाओ ना।
अब शर्माने और नजरें चुराने की जरूरत नहीं। बैठो, तुम दिखाओ ना बेटा, रुक क्यों गए? जी सॉरी अब्बा, लेकिन अभी कोई ऐलान मत कीजिएगा। मैं अफजल से कुछ बात करना चाहती हूँ। जस्ट फॉर 10 मिनट्स। इस बातचीत में लुबना भी मेरे साथ होगी। ओके, मुझे कोई इतराज नहीं है, तुम कर लो बात। थैंक यू अब्बा। तुम भी जरा जल्दी से खाना खा लो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुमने कहा था तुम नहीं आओगे। किसने कहा था? यहां भी परफॉर्मेंस दे रहे हो लफंगे। मैंने कहा था, खुद फोन किया था, एक एक बात तुम्हें रटाने की तरह समझाई थी। नहीं तो मतलब कोई फोन नहीं किया आपने, कुछ नहीं समझाया था। देखो जरा कैसे आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है। आंखों में आंखें नहीं डाली मैंने, नहीं झूठ बोला है। फरहान ने मेरे सामने फोन किया था, मेरे सेल फोन से। वो तफसील से एक एक बात बता रही थी तुम्हें, मैं यहाँ सुन रही थी और तुम वहां सुन रहे थे। अल्लाह की कसम है, नहीं, मैंने एक बात नहीं सुनी। ये सच कह रहा है, अल्लाह की कसम खा ली इसने। तो क्या मैं अपने फरिश्तों से बातें कर रही थी? हुआ क्या है? मेरा मतलब है, आपने ये कहा था कि मैं ना हूं? जी हाँ। अल्लाह, तो फिर फोन किसने सुना? किससे बात हुई थी? मैंने जवाब दिया? तुमने कभी जवाब में कुछ कहा? मेरी आवाज सुनते ही तो चुप लग जाती है तुम्हें, हूं हां तक तो करते नहीं हो। सलाम तो करता हूं, अब क्या करूं? अब्बा ने क्या कहा है? उन्होंने कल दफ्तर बुलाया मुझे, बोले मुलाकात तो वहीं होगी। तुम नहीं जाओगे वहां? ये कैसे हो सकता है? उनकी बात कैसे डाल सकता हूँ? तो मेरी बात कैसे डाल सकते हो? 2 लाख महीने पे मुलाजिम रखा है तुम्हें। आपने तो कहा था डेजिग्नेशन बहुत बड़ी है, ये तो मुलाजिम कह रही है मुझे। तुम्हें डेजिग्नेशन की पड़ी है? एक मिनट फरा, तुम जरा ये बताओ मुझे, अगर अब्बा ने तुम दोनों की शादी का ऐलान कर दिया फिर क्या करोगे तुम? फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो शादी कर लोगे मुझसे? हाँ नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तुम भी बच्चों वाली बात कर रही हो फरा, ये कोई तुमसे शादी करने नहीं आया। तुम बस ये बताओ कि अब्बा के ऐलान का कोई हल है तुम्हारे पास?
मेरा दिमाग बंद हो चुका है लुबना, थोड़ी देर बाद देखना मेरा दिल भी बंद हो जाएगा। अरे ऐसे रहने की जरूरत नहीं है, अब्बा को ऐलान करने दो। क्या? वो सिर्फ ऐलान नहीं करेंगे बल्कि इसका मुंह माथा चूम के इसको दामाद के सिंहासन पे बिठाएंगे। फिर क्या करूंगी मैं और फिर ये क्या करेगा? बेवफाई, यही तय हुआ था ना कि पहले टूटकर मोहब्बत होगी फिर मोहब्बत टूट जाएगी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। मेहताब का डंडा खत्म होने के बाद मैं सोचने लगी कि ये भी अपना काम पूरा करे, पैसे ले और घर जाए। देखो 4 महीने की परफॉर्मेंस ना मुझसे होगी ना इससे। मैं कर लूंगा। क्या कर लोगे? मेरा मतलब है जितनी देर मोहब्बत करने की जरूरत होगी मोहब्बत कर लूंगा, और जब बेवफाई की जरूरत होगी तो कर लूंगा बेवफाई। कल ही करो। अरे वाह, आज अब्बा हाँ कहेंगे और कल ही तुमसे बेवफाई कर देगा। Don't you think it's too early? दस मिनट हो गए। आ जाए बीबी जी, साहब कह रहे हैं 10 मिनट हो गए। अच्छा ठीक है। सुनो, अब्बा शादी के लिए कहें तो कहना ठीक है थैंक यू, इससे आगे कुछ मत कहना। जी नहीं कहूंगा। और अगर उन्होंने कह दिया कि कल परसों में अपनी अम्मा अब्बा को लेकर आ जाओ फिर क्या कहोगे? कहूंगा जी ठीक है थैंक यू। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? खबरदार जो तुमने उनसे कोई बात की या उनको लेकर हमारे घर आए तो। नहीं नहीं लेकर आऊंगा, कह दूंगा वो नहीं आ सकते। आप मुझसे बात करें। तुमसे क्या बात करें और तुमसे क्यों करेंगे शादी की बात? साहब से क्या कहूं? कहो 10 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम मोहब्बत पर डटे रहो, बेवफाई का स्केड्यूल बाद में तय कर लेंगे, अभी चलो मेरे साथ। ओके चलो बाद में। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। क्या दुआएं कर रहे हैं आप? ये नहीं बताऊंगा। मत बताइए, लेकिन खबरदार जो अपनी दुआओं में मेरा जिक्र भी किया तो। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। कौन सी नौकरी? यही 2 लाख महीने वाली। जा प्यार